आपके और आपके व्यूज के बीच में बस छोटी सी कुछ गलतियां हैं जिनके कारण आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, जिनके कारण आपके व्यूज नहीं आ रहे। सबसे बड़ा रीजन यूट्यूबर्स को व्यूज नहीं आ रहे इज CTR या फिर क्लिक थ्रू रेट। अब CTR का सिंपल मतलब ये है, जब भी किसी के सामने आपकी वीडियो आती है क्या वो उस पर क्लिक करता है या नहीं। एंड वॉट इफ आई टेल यू कि आपके कम व्यूज आने का कारण आपकी वीडियो है ही नहीं। आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है तो बहुत दूर की बात है, अभी तो वीडियो खुली भी नहीं है। एंड अगर आपको चाहिए और व्यूज, यू नीड टू मेक श्योर कि लोग उस वीडियो पे क्लिक करें। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है आपका टाइटल और थंबनेल। इसको सिंपल रखने के लिए ये बोलूंगा, अपना टाइटल और थंबनेल स्पेशली शुरू में व्हेन यू आर अ न्यू यूट्यूबर मी माइन मेरा मत रखो। नोबडी नोज हु यू आर, आप कौन हो किसी को नहीं पता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये सोचो आप वीडियो किसके लिए बना रहे हो, वो क्या सर्च कर रहा है और आप उस वीडियो पे कैसे क्लिक करवा सकते हो किसी से। मान लो आप एक व्लॉगर हो, आपका टाइटल इज माई ट्रिप टू पेरिस, ये आपकी पहली वीडियो है। शायद ही काफी लोगों के सामने यूट्यूब पर आए बट कोई देखेगा नहीं, कोई आपको जानता नहीं, वो आपकी वीडियो पे क्यों क्लिक करेंगे। अब इमेजिन करो उसी वीडियो का टाइटल बदल के समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द आईफिल टावर। तो अगर एक रैंडम इंसान यूट्यूब पर देखे उसको शायद आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग लग जाए कि ये बंदा आईफिल टावर के सामने क्यों नाच रहा था, कौन है ये, मैं जानना चाहता हूँ। और यही इमोशन आपको हर टाइटल से हर थंबनेल से क्रिएट करना है। अब मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ अपना टाइटल और थंबनेल पहले सोच पाऊँ। और अभी ये रही इस ही वीडियो के कुछ टाइटल और थंबनेल के ऑप्शंस। मैं अलग अलग तरीके से अपने टाइटल्स लिखता हूँ, अलग अलग तरीके से अपने थंबनेल लगाता हूँ, अलग अलग टाइटल और थंबनेल के कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ जिससे मुझे लगे सबसे ज़्यादा ये सवाल किसी के अंदर आए, क्यूरियोसिटी आए और एक अर्जेंसी आए कि यार अभी जानना है, नहीं देखी तो कुछ छूट जाएगा। अब हो सकता है कि आपके टाइटल में सारे छोटे लेटर्स में लिखा हुआ है एंड मे बी दैट डजंट लुक एज गुड, या फिर आपने पूरा ही कैप्स में लिखा हुआ है और ऐसा लग रहा है कोई चिल्ला रहा है आप पे, या फिर ऐसा हो सकता है जो थंबनेल आपको बहुत अच्छा लग रहा था वो आपके टाइटल से नहीं मैच हो रहा। अब यही चीज जब आप मिक्स एंड मैच करोगे तो आपको कुछ जाके पसंद आ सकता है। एंड कोशिश पूरी ये रखनी है कि उसको देख के व्यूअर, जो आपका पोटेंशियल व्यूअर है, जो इंटरनेट पे कोई भी हो सकता है, उसको वो अट्रैक्ट करे। और इसी टाइटल और थंबनेल की जुगलबंदी से बंदा आपकी वीडियो पे क्लिक करेगा, आपको व्यू देगा। बट काश बात यहीं पे रुक जाती, हमें फिर भी उसको उस वीडियो पे रखना है टू गेट दैट व्यू, टू गेट दैट इंटरैक्शन, टू गेट probably a new subscriber. तो वीडियो खुलते ही first few seconds have to be very interesting. इसे कहते हैं आपका hook. अगर आपका hook strong है तो थोड़ी देर बाद बंदा आपकी पूरी वीडियो देख ही लेता है, लाइक चलो एक मिनट तो देख ही लिया है, पूरी देख लेते हैं बंदा क्या बोलना चाहता है। तो अपनी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे ग्रिपिंग पार्ट थोड़ा सा शुरू में ले आओ ताकि व्यूअर को आइडिया लग जाए वीडियो किस बारे में होने वाली है और उसे उस वीडियो से क्या मिल रहा। बट हाँ, ये जरूरी है कि वीडियो के अंदर अपनी वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी, स्टोरी टेलिंग, नरेशन, टाइमिंग सब कुछ भी अच्छा रखना है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे व्यूज बहुत सारे आ गए बट कॉमेंट्स में सिर्फ लिख रहे हैं क्या घटिया वीडियो थी। हम चाहते हैं पीपल एंजॉय दैट वीडियो एंड दे कम बैक फॉर मोर। और एक और तरीका जिससे हम ये कर सकते हैं इज क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा मैं, अगर मैं जानता हूँ मेरी एक ऑडियंस है जिनको यूट्यूब ग्रोथ में इंटरेस्ट है, आप जब नीचे जाके मेरे चैनल नेम पे क्लिक करोगे, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाओगे, सारी वीडियोस आप ही के लिए हैं, आप एक के बाद एक देखते जा सकते हो। दैट इज़ वाई कोशिश करो कि जब कोई आपकी वीडियोज़ टैब पे जाए वहाँ लाइव स्ट्रीम्स ना हो, शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा ना हो, एंड सारी वीडियोज़ ऑर्गेनाइज लगे, एक ही टॉपिक के बारे में लगे। अगर कुछ पुरानी वीडियोस हैं जो आज के टाइम पे आपके ब्रांड वैल्यू को नहीं सपोर्ट करती तो उनको अनलिस्ट कर दो या फिर प्राइवेट कर दो। आप चाहते हो जो भी आपकी वीडियोस देखने आए वो और देख पाए एक के बाद एक। अब मैं ये नहीं बोल रहा यूट्यूब पर व्यूज लाना बहुत आसान है या बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर आप अभी ध्यान दे दोगे तो आपको आज से ही, अपनी अगली वीडियो से ही डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। बट सिर्फ इन बातों को सुनो मत, जाओ यूज करो, मेक वीडियोस, ऐसी वीडियोस बनाओ दैट पीपल वांट टू क्लिक ऑन एंड दे वांट टू वॉच मोर। एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर, ये रही कुछ वीडियो रिकमेंडेशंस आपके लिए इफ यू वांट टू चेक देम आउट।